विद्युतीय क्षेत्र में यदि एक पृष्ठ को रख दिया जाए तो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का जितना मात्रा उसके साथ जुड़ जाता है उसे हम विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं, फ्लक्स। ओके, और फ्लक्स और विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता और इस पृष्ठ का क्षेत्रफल, एरिया, ये तीनों का आपस में संबंध होता है। और ये संबंध हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ये संबंध है फ्लक्स बराबर तीव्रता गुणित एरिया, जितना इसका क्षेत्रफल है। ये होता है फाई ई ए दोनों का स्केलर गुणनफल। अच्छा, इसके आधार पर एक प्रमेय बनाया गया है, वो प्रमेय गॉस ने बनाया, तो इसे गॉस प्रमेय कहते हैं। ये गॉस प्रमेय हमें ये बताता है कि यदि हम एक बंद पृष्ठ क्या होता है, ये पिछली कक्षा में चर्चा हुई थी कि एक फुटबॉल एक बंद पृष्ठ है, एक घन एक बंद पृष्ठ है, उस बंद पृष्ठ के साथ एक विद्युतीय क्षेत्र में यदि उसे रख दिया जाए तो कितना विद्युतीय क्षेत्र उसके साथ जुड़ जाता है, ये विद्युतीय क्षेत्र की मात्रा हमें गॉस के प्रमेय से मिलती है। और गॉस का ये कहना है कि उस बंद पृष्ठ को देखिए कि उसके अंदर कितना आवेश है, बाहर नहीं, उसके अंदर कितना आवेश है, जितने आवेश की मात्रा होगी उसको एक बटे एप्सिलॉन नॉट से गुणा करिए तो आपको एक राशि मिलेगी। मान लीजिए एक बंद पृष्ठ के अंदर क्यू आवेश है, इसको हमने एक बटे एप्सिलॉन नॉट से गुणित किया तो ये कितना हो गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो उनका ये कहना था, ये आवेश होगा जो कि उस संपूर्ण पृष्ठ के साथ जुड़ा हुआ होगा। तो संपूर्ण पृष्ठ के साथ जुड़ने वाला फ्लक्स एक बटा एप्सिलॉन नॉट, एक बटा एप्सिलॉन नॉट को उस आवेश से गुणा करने से मिलता है जो आवेश उस बंद पृष्ठ के अंदर रखा हुआ है। ये गॉस का प्रमेय है। क्यों पढ़ते हैं हम इस प्रमेय को? तो इसका उत्तर है कि इस प्रमेय में हमें पता चलता है कि कितना आवेश हमें कितना विद्युतीय क्षेत्र देता है। विद्युतीय क्षेत्र कहाँ है इसमें? तो उत्तर है कि ये जो फ्लक्स है, फ्लक्स का वास्तविक सूत्र क्या होता है ये हमें मालूम है। फ्लक्स का वास्तविक सूत्र होता है बंद सतह के लिए क्लोज्ड इंटीग्रल ई डी एस। क्लोज्ड का अर्थ है सब सतहों पर पड़ने वाले फ्लक्स का योग, क्लोज्ड। तो ये यदि हमारे पास एक बंद सतह है एक घन के रूप में, ये यहां से हमने प्रारंभ किया, इसके लिए ईडीएस की गणना की, इसके लिए ईडीएस की गणना की, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, सभी के लिए गणना की और सबका आपस में योग कर दिया, तो उसे हम सबका योग किया तो हम ये वाला साइन लगा देंगे और इसका मतलब है सभी सतह के लिए इसका योग किया गया है। अगर हम सिर्फ एक सतह के लिए करेंगे तो उसे इंटीग्रल ईडीएस यहां पर एस लिखेंगे, एक सतह के लिए, और जब ये गोला लगा देंगे तो इसका ये मतलब है कि सभी सतह का योग हो गया है। तो जब हम बंद पृष्ठ के लिए इसे लिखना चाहेंगे, एक्सप्रेशन को लिखना चाहेंगे, तो हम इसका प्रयोग करेंगे और इसे कहते हैं क्लोज्ड इंटीग्रल। अच्छा, क्लोज्ड इंटीग्रल ईडीएस ये हमें किसका मान देता है? ये हमें फाई ई यानी कि संपूर्ण पृष्ठों के साथ लगे हुए कुल फ्लक्स का मान देता है। और ये गॉस के प्रमेय के अनुसार किसके बराबर होता है? क्यू बटे एप्सिलॉन। तो अब आप देखिए इसमें कौन कौन सी राशियां आपस में जुड़ती हैं, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ई, क्षेत्र
का एरिया डीएस और आवेश जो उसके अंदर रखा हुआ है क्यू, इन तीनों का ये सूत्र आपस में संबंध बताता है। तो अगर हमें इसमें क्यू आवेश का पता हो तो हम ई की गणना कर सकते हैं। क्या जरूरत है हमको इस तरह से गणना करने की, हमको तो ई का सूत्र मालूम है कि ई बराबर 1/4πε0Q/r2। क्यू से पता लग गया। लेकिन यहां पर देखिए, जो आपको सूत्र मालूम है कौन सा, ई बराबर क्यू बटे आर स्क्वेयर, और ये सामने में कांस्टेंट। अब इस क्यू से ये ई का पता हमको मालूम है, लेकिन ये आपको याद होगा कि ये जो हमने सूत्र बनाया है इसमें क्यू का स्वरूप कैसा है। तो उत्तर है, इसमें क्यू का स्वरूप एक बिंदु स्वरूप है, ये बिंदु है। अब यदि मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास क्यू जो है वो बिंदु स्वरूप में नहीं है, एक निकाय के रूप में है, और ये एक लंबी एक चालक है रेखा के रूप में, और इसके पास विद्युतीय आवेश है इस प्रकार से, यहां पर ये कितना विद्युतीय क्षेत्र बनाता है ज्ञात करिए। अब यहां पर हम इसे ज्ञात नहीं कर सकते हैं, इसका बीजगणितीय रूप आपने जरूर देखा है, लेकिन यदि मैं आपको बताता हूं कि इसके पास विद्युतीय आवेश है, यहां कैलकुलेशन करिए, गणना करिए, तो ये यहां पर ऐसे विद्युतीय क्षेत्र बनाता है, ये ऐसा बनाता है, और दोनों का मान अलग अलग होता है, इसका मान अलग होता है। तो यहां विद्युतीय क्षेत्र की गणना मेरे लिए आसान नहीं है करना, ये हम नहीं कर पाएंगे। ये गणना को आसान बनाने के लिए हमको एक नई भाषा बनानी पड़ती है, उस भाषा के अनुसार, नए सिद्धांत के अनुसार हमको कार्य करना पड़ता है, तब हम जाकर इस विद्युतीय क्षेत्र की गणना कर सकते हैं। दूसरा देखिए, केवल इसी निकाय की बात नहीं कर रहा हूं, हमारे पास एक फुटबॉल है, एक गोला है, उस गोले को हमने आवेश दे दिया और वो आवेश उसकी सतह पर हर जगह पर रुका हुआ है। अब मैं जानना चाहता हूं कि यदि वो कुल आवेश क्यू है तो उस गोले के अंदर विद्युतीय क्षेत्र कितना होगा, उस गोले की सतह पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, और गोले से जैसे जैसे मैं बाहर दूर जाता हूं विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का क्या सूत्र मिलता है मुझे। और इसमें ये वाला सूत्र तो नहीं लगेगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु स्वरूप क्यू के लिए है, और ये गोले में तो आवेश सब तरफ फैला हुआ है, उसके अंदर हम विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता जानना चाहते हैं, उसकी सतह पर जानना चाहते हैं, उसके बाहर जानना चाहते हैं, और ये सब तीव्रताएं इस सूत्र से नहीं निकलती। इसी तरह से हमारे पास एक ट्यूब है, ट्यूब में हर स्थान पर, ट्यूब की सतह पर आवेश है, तो ट्यूब के अंदर विद्युतीय क्षेत्र कितना होगा, ट्यूब के बाहर कितना होगा। हमारे पास एक पृष्ठ है, ये सतह ऐसी फैली हुई, ये वाली बहुत बड़ी सतह, इस सतह पर हमने आवेश दिया हुआ है, इसके कारण यहां पर विद्युतीय क्षेत्र कितना है, उसकी गणना इससे नहीं हो सकती। इस तरह से विद्युतीय क्षेत्र प्रैक्टिकली हमारे जीवन में किसके कारण होते हैं, तो एक बिंदु रूपी आवेश के कारण नहीं होते, निकाय के कारण होते हैं। बादल आपस में टकराते हैं, पूरे बादलों में आवेश आ जाता है। यहां पर एक लोहे का टुकड़ा है, इसके साथ इसको मैं आवेश देता हूं, तो वो आवेश यहां बिंदु रूप में नहीं रहता, ऐसा पूरा फैल जाता है। एक गोले को छूता हूं तो उसमें आवेश पूरे गोले में आ जाता है। तो अगर मुझे विद्युतीय क्षेत्र चाहिए इन सब के कारण, तो मैं एक बिंदु वाले विद्युतीय क्षेत्र के सूत्र का प्रयोग नहीं कर सकता, मुझे उन सब निकाय के लिए अलग अलग सूत्र चाहिए। और ये सूत्र निकालने का क्या तरीका हो सकता है, उस तरीके के लिए गॉस प्रमेय हमारी सहायता करता है। अब गॉस प्रमेय होता क्या है ये मैंने आपको बताया, अब इसको थोड़ा शब्दों में लिख लेते हैं कि गॉस प्रमेय क्या होता है। किसी बंद पृष्ठ से संलग्न हुआ संपूर्ण विद्युतीय फ्लक्स उसके भीतर स्थित आवेश का 1/ε गुना होता है। तो ये
गॉस का प्रमेय है। अब इस प्रमेय के एक एक शब्द को देखिए और जो आपको याद करना है, हर शब्द का क्या अर्थ है। बंद पृष्ठ, पृष्ठ सब तरफ से बंद होना चाहिए। इसके साथ जो भी विद्युतीय फ्लक्स संलग्न होता है उसके भीतर स्थित आवेश, इसके भीतर ये स्थित आवेश है, इससे इस प्रकार विद्युतीय क्षेत्र चारों तरफ फैलता है, ये हम जान चुके हैं। ये जब ऐसे निकलेगा, इसके साथ संलग्न हो जाएगा, इसकी छत के साथ संलग्न हो जाएगा, इधर सामने नीचे ऊपर सब तरफ ये संलग्न हो जाएगा, उसकी हमने गणना की। और जब हम उसकी गणना करेंगे तो पूरा का पूरा फ्लक्स की गणना कितनी आएगी, ये हमको ये थ्योरम बताता है कि वो गणना पूरा फ्लक्स क्यू गुणित एक बटे एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। ये गुणित करने से क्या आ गया, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। तो ये गॉस का प्रमेय है कि फ्लक्स इतना होगा। अब फ्लक्स की गणना हमने करके रखी है अपने स्थिर विद्युत के सिद्धांतों से, और हमको मालूम है वो गणना बंद सतह के लिए क्लोज्ड इंटीग्रल ईडीएस होती है। तो इसके स्थान पर इसको रखा तो ये गॉस थ्योरम इस प्रकार परिवर्तित रूप में हमें मिला। तो ये गॉस थ्योरम बना क्लोज्ड इंटीग्रल ईडीएस बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये गॉस थ्योरम से, ये गॉस थ्योरम किस तरह से बनाया गया, क्या वाकई ऐसा होता है, हमने जो सिद्धांत पढ़े हैं तो उन सिद्धांतों के आधार पर इसे इसका प्रूफ हम लोग पढ़ सकते हैं। और अब अगली चीज हम देखते हैं कि किस तरह से हम ये साबित कर सकते हैं कि ये गॉस थ्योरम सही है। तो इसका प्रूफ देखिए, सरलता के लिए हम मानते हैं कि एक आवेश है, एक कण है जिसके पास क्यू आवेश है। सरलता के लिए हमने ये माना कि ये बिंदु स्वरूप कण है या बिंदु स्वरूप आवेश है। इसके चारों तरफ हम एक बंद पृष्ठ बनाते हैं। सबसे आसान और गणना में सबसे आसान रहने सरल रहने वाला बंद पृष्ठ होता है एक स्फीयर, यानी कि एक गोला। गोला क्यों आसान होता है, क्योंकि गोले के केंद्र से गोले के हर सतह के बिंदु की दूरी एक समान होती है, इसलिए वो सबसे सरल होता है गणना के लिए। तो इसको केंद्र मानकर हमने इसके चारों तरफ कल्पना की एक पृष्ठ की, ये उसके केंद्र में बंद है। ये जो पृष्ठ है चारों तरफ हमने इसे बंद किया है, ये हमने मान लिया कि गॉस के सिद्धांत की गणना के लिए हमने ये पृष्ठ सोचा, पृष्ठ की कल्पना की। ऐसे जिस पृष्ठ की हम कल्पना करते हैं गॉस के थ्योरम को, गॉस के प्रमेय को अप्लाई करने के लिए जिस पृष्ठ की कल्पना करते हैं उसे हम कहा करेंगे गॉसियन सरफेस या गॉस का पृष्ठ। ओके, ये हमने एक गॉसीय पृष्ठ की कल्पना की। इस प्रकार का गॉसीय पृष्ठ लिया जिसके केंद्र में ये आवेश रखा हुआ है। अब हमको मालूम है कि कोई भी आवेश, इसको लिख देता हूं, एक गॉसीय पृष्ठ गोल आकार में कल्पित किया गया, कल्पित किया गया जिसका केंद्र जिसके केंद्र में एक आवेशित कण, एक Q आवेश वाला आवेशित कण रखा हुआ है। ये पहला। दूसरा,
इस क्यू आवेश के कारण चारों तरफ विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता फैल जाती है, क्योंकि हर आवेश अपने चारों तरफ विद्युतीय क्षेत्र बनाता है, तो इसने भी विद्युतीय क्षेत्र बनाया। ये इस विद्युतीय क्षेत्र को हम विद्युतीय क्षेत्र की रेखाओं से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इस सतह के किसी भी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता E है, तो ये तीव्रता कितनी होगी? सतह के किसी भी बिंदु पर E की तीव्रता, और इसका सूत्र हमको मालूम है, E की तीव्रता होगी E बराबर, यहां लिखता हूं, E बराबर 1/4πε0 Q बटे R स्क्वेयर, जिसमें R क्या है? त्रिज्या, यहां से यहां तक की दूरी। ये R दूरी के कारण ये R वर्ग हुआ, R इसकी त्रिज्या है, ठीक। तो ये विद्युतीय क्षेत्र की यहां पर तीव्रता हुई। अब यहां पर एक छोटा सा जो पृष्ठ है उसका एक छोटा सा क्षेत्रफल हमने लिया, बहुत ही छोटा, इतना छोटा है कि उसे हम बिंदु स्वरूप मान सकते। तो ऐसे के लिए कैलकुलस में हम उसका मान कितना लेंगे? तो यहां पर एक बहुत छोटा सा एरिया है, कितना एरिया है? तो हम कहेंगे ये एरिया ds है, ds बहुत छोटा एरिया, उसके लिए ये चिन्ह हमने बनाया ds। इस ds अगर ये एरिया है तो इसकी दिशा किधर होगी? तो उत्तर है कि हम पढ़ चुके हैं कि यदि ये एरिया है तो एरिया की दिशा, एरिया वेक्टर की दिशा इसके लंब स्वरूप मानी जाती है। तो अगर ये हमारा एरिया है तो ये वाली दिशा, ये दिशा होगी ds की दिशा, ये। तो ये दिशा किसकी दिशा है? यहां से दोनों को मिलाते हुए ये जो रेखा बनी, ये रेखा हमें दिशा देती है विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता की, और ये जो एरिया बना, एरिया के लंब स्वरूप, ये दिशा हमको मिलती है वेक्टर ds की, वेक्टर ds की दिशा यहां बनी। अब देखिए यहां पर E इस दिशा में, वेक्टर ds इस दिशा में, दोनों के बीच कितना कोण बनता है? शून्य, ये हमने यहां पर देख लिया। ऐसे ही अगर हम यहां पर एक छोटा सा ds लेते हैं तो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ऐसे बनी और ds की एरिया की दिशा भी ऐसे बनी, एरिया वेक्टर। पिछली कक्षा में हम इसकी चर्चा कर चुके हैं इसलिए मैं अभी इसको विवरण नहीं दूंगा। ये ds वेक्टर इस दिशा में और E वेक्टर इस दिशा में ये काम कर रहे हैं, दोनों के बीच का कोण शून्य। ऐसे आप कहीं पर भी बनाइए, हर जगह पर आपको कोण कैसा मिलेगा? शून्य। दो चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। इस बिंदु पर E की तीव्रता का सूत्र ये है R। यहां पर जब मैं तीव्रता देखता हूं तो इसमें भी दूरी कितनी है? R। तो यही तीव्रता यहां पर भी है, यही तीव्रता यहां है, यही यहां है, यही यहां है, पूरे गोले में हर स्थान पर ये तीव्रता एक समान है। तो ये हमने गोला लिया, इस गोले के हर बिंदु पर तीव्रता एक समान होगी और उसके ds की दिशा ऐसे निकल रही होगी, ये यही इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा है और यही वेक्टर, एरिया वेक्टर जो कि इसके लंब स्वरूप होता है, यही उसकी दिशा है और हर बिंदु पर है। तो मैं ऐसा ही पृष्ठ चुनता हूं, जानबूझकर ऐसा पृष्ठ चुनता हूं जहां पर हर बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता एक समान हो और जहां पर कोण एक समान ही बनते हो। यहां पर कोण शून्य है, यहां भी कोण शून्य है, यहां भी कोण शून्य है, यहां भी कोण शून्य है। इस तरह से जो सतह चुनी जाती है ये उसकी विशेषता होती है और ऐसी सतह को ही हम क्या कहेंगे? गौसीय पृष्ठ, काल्पनिक, लेकिन ये उसकी विशेषता है।
कि ये सब तरह से इसमें एक सिमेट्री होती है। सिमेट्री का अर्थ समझते हैं एक रूपता। तो इसमें एक रूपता सब जगह पर होती है। किस चीज की एक रूपता? ई सब स्थानों पर एक जैसा और थीटा कोण जो है वो भी सब स्थानों पर एक जैसा। ये एक रूपता के कारण ही मैंने ये वाला नक्शा चुना और ये वाली सरफेस चुनी। ठीक है, ई की तीव्रता हमें ज्ञात है। ये तीव्रता कितनी होती है? ई इसका मान है 1/4πε0 क्यू अपॉन आर वर्ग। ये इस क्यू के कारण यहां पर तीव्रता, यहां तीव्रता, यहां तीव्रता, यहां तीव्रता। और चूंकि क्यू स्थिर वैल्यू है, आर ये भी एक स्थिर अंक है, यहां पर हर जगह के लिए आर का मान एक है, अतः हर बिंदु पर ई का मान भी एक समान होगा। ई एक समान कहां पर? संपूर्ण सतह पर। संपूर्ण सतह पर, इसे याद रखिएगा। अब ये ई का मान है। अब हम निकालना चाहते हैं कि फ्लक्स कितना होगा। फ्लक्स का हमारे पास क्या सूत्र है? हमें ज्ञात है कि फ्लक्स का सूत्र होता है क्लोज्ड इंटीग्रल ई डीएस, और इसका परिमाण होता है क्लोज्ड इंटीग्रल ई डीएस कॉस थीटा। ये हम पिछली कक्षा में कर चुके हैं, पिछले लेक्चर में ये हो चुका है। अब थीटा, थीटा क्या है? कोण। ये विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ई और एरिया वेक्टर डीएस के बीच का कोण। शून्य 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 शून्य, हर जगह पर ये शून्य है, इसलिए इसको हम शून्य मान सकते हैं। अगर इसको हम शून्य लेंगे तो कॉस शून्य एक होता है, इसलिए ये कितना हो जाएगा? ये एक बन जाएगा। दूसरा चीज देखिए, ई ई कैसा है? ई एक समान है संपूर्ण सतह पर, इसलिए ये एक स्थिर मान वाला, स्थिर मान वाली राशि है। और स्थिर मान वाली राशि का जब इंटीग्रेशन होता है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए ये बाहर आ जाएगा और ये ऐसा बन जाएगा ई। और ये क्लोज्ड इंटीग्रल हम केवल किसका करेंगे? डीएस का। कॉस थीटा का मान एक हो चुका है, उसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये यहां तक पहुंचा। अब इसमें आगे देखिए, फ्लक्स बराबर ई, ई का मान हम रखते हैं, ई का मान हमें यहां से रखना है 1/4πε0 क्यू बटे आर वर्ग गुणित क्लोज्ड इंटीग्रल डीएस। अब डीएस का इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? डीएस खुद क्या है? डीएस ये एक छोटा सा क्षेत्र है यहां पर, दूसरा डीएस, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां, ये सारे डीएस को यदि जोड़ देंगे तो उसे हम गणित में क्या लिखते हैं? क्लोज्ड इंटीग्रल डीएस। क्लोज्ड इंटीग्रल डीएस का वास्तविक अर्थ क्या है? सभी डीएस का आपस में योग, और सभी डीएस को हम जोड़ देंगे तो हमें मालूम है क्या बनने वाला है। ये पूरा पृष्ठ बन जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ। और इस संपूर्ण पृष्ठ का एरिया, क्षेत्रफल कितना होता है उसका भी हमको फॉर्मूला मालूम है, और वो होता है क्लोज इंटीग्रल डीएस का मान 4πr2। ये सब जानते हैं कि 4πr2 ये इसका मान होता है। ओके, मैं थोड़ा इसे साफ कर दूं, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये फाई का मान आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप इसमें देखिए, ये 4π और 4π ये दोनों बराबर, और आर वर्ग भी कैंसल हो गया, तो फाई किसके बराबर हुआ? फाई इज इक्वल टू क्यू, और नीचे बचा एप्सिलॉन नॉट। फाई क्या है? फाई है विद्युतीय फ्लक्स। तो विद्युतीय फ्लक्स, ये जो हमने फ्लक्स की परिभाषा बनाई थी, उस परिभाषा के अनुसार एक बंद सतह के लिए क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। तो ये विद्युतीय फ्लक्स क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, ये हमने सिद्ध कर दिया, इसीलिए ये क्या है? प्रूफ। और यही गॉस थ्योरम है कि विद्युतीय फ्लक्स क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। लेकिन
शर्त क्या है कि ये क्यू कहां होना चाहिए, बिल्कुल इस बात को गांठ बांध लीजिए, ये क्यू उसके अंदर होना चाहिए। अगर ये क्यू उसके बाहर है तो ये प्रमेय बिल्कुल नहीं लगेगा। ये प्रमेय सिर्फ तभी और तभी लगता है जब क्यू उसके अंदर हो, बाहर होगा नहीं लगेगा। ठीक, तो पिछली बार जो आपने थोड़े से गणित बनाए थे उसमें आपने ये चीज मैंने आपको स्पष्ट कर दी थी कि यदि Q उसके अंदर है तो उसका कुछ मान आता है, और यदि Q बाहर है तो आधा फ्लक्स ऋणात्मक हो जाता है और आधा फ्लक्स धनात्मक होता है, दोनों का योग शून्य हो जाता है। उसके लिए पिछला लेक्चर देखिए। ठीक, तो ये हमने इसका गॉसी थ्योरम का, गॉस के प्रमेय का ये प्रूफ बनाया। अब इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि गॉस थ्योरम का उपयोग करके, गॉस के प्रमेय का उपयोग करके हम किस तरह से अलग अलग निकाय के लिए विद्युत क्षेत्र की गणना करते हैं। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले जो हम निकाय लेंगे वो ऐसा होगा कि आवेश एक रेखा के रूप में, यदि रेखीय निकाय है तो उसके लिए कि विद्युतीय क्षेत्र की गणना।